वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCET जनरल साइंस 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में आपको बता दूं कि हम लोग इस समय पे जो पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 27 पढ़ रहे हैं और इस पार्ट नंबर 27 में टोटल दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे 1781 से लेकर के 1869 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों के मध्य में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों वो मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे यानी कि चुंबकत्व। ये हमारा 10वां अध्याय होगा यानी कि चुंबकत्व जो होगा वो 10वां अध्याय होगा और इसी 10वें अध्याय को हम लोग इसी पार्ट में फिनिश कर लेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जोर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों क्लास नोट्स की जो पीडीएफ होती है दोस्तों इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार कोई क्यूरी या डाउट है आप उसको भेज करके उसका सलूशन भी हमसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की प्रकाशनों का बुक भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़े और इन सब ग्रुपों का हमारे लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि YCET रीजनिंग जो 2024 वाली बुक है उस बुक को हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। जिन बच्चों ने ना देखी हो तो वो बुक हमारी पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। जिन बच्चों ने ना देखी हो दोस्तों तो आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, YCET रीजनिंग 2024 नाम का प्लेलिस्ट है जहां से आप लोग उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस समय पे मैथ भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं YCET 2024 वाला। साइंस भी हम दोस्तों आपको बता दें कि बायो हमने पूरी कंप्लीट सॉल्व कर लिया, फिजिक्स भी कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व यानी 10वां चैप्टर हमारा होगा चुंबकत्व का। और यहाँ पे 1781 नंबर में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच जो कोण होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे इस नियमानुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस तरह से फैलाया जाता है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तब अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इस नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम भी कहा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम भी कहते हैं। इनके बीच देख लीजिएगा अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1781 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा और अगला यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना, प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति, चुंबक और कुंडली की नियत स्टेशनरी स्थिति, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। तो यहां पर देखेंगे 1782 जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है करा किसके कारण होती है, तो वो होती है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होती है। तो ये दिया गया है 1782 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1782 के बाद हम लोग देखेंगे 1783 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, इस पे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा डॉट डॉट होते हैं। देख लीजिएगा क्या होते हैं, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 1783 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, इसके बारे में कुछ समझ लीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देख लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। इस तथ्य से तात्पर्य निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान की आवश्यकता होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी पे दिया गया था, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डायनमो में विद्युत धारा डॉट डॉट के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। डायनमो में विद्युत धारा डॉट डॉट के द्वारा सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चालन, विद्युत चुंबकत्व। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि डायनमो में विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, देख लीजिए क्या उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो उत्पन्न जो किया जा सकता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न किया जा सकता है। तो 1784 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1785 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज। तो दोस्तों यहां पे देखेंगे अगर 1785 नंबर जो दिया गया है तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विद्युत फ्यूज। देख लीजिएगा यहाँ पे विद्युत फ्यूज जो होता है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं होता है। कौन? विद्युत फ्यूज होता है जो। और दोस्तों जो और होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, ये आधारित होते हैं कौन कौन से, लाउड स्पीकर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित होते हैं। लेकिन विद्युत फ्यूज जो होता है वो आधार मतलब अवधारणा पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1785 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1786 नंबर, और इसपे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1786 नंबर का विकल्प नंबर जो डी होगा, देख लीजिएगा पहला जो यहां पे दिया गया है ये तो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, ये बात गलत है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं, ये बात सत्य है। और फिर तीसरा दिया गया, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र या क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व निर्मित करती हैं, दिया गया थर्ड। तो देखिए सेकंड और थर्ड दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 1786 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1787 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, समानांतर रेखाएं या ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं। तो 1787 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। तो 1787 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित करती है।
ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर चुंबक के बाहरी क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये दिया गया है बी ऑप्शन, तो 1787 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1788 नंबर, और इसपे कहा गया है कि डॉट डॉट को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता या उत्क्रमित की जा सकती है। डॉट डॉट को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता या उत्क्रमित की जा सकती है। फेरों के बीच की दूरी या इससे प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण, धारा की दिशा, विद्युत चुंबक में फेरों की संख्या। तो 1788 का जो दिया गया है धारा की दिशा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे धारा की दिशा भर दिया जाएगा, धारा की दिशा। देख लीजिएगा ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1788 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई 1789 नंबर, और इसमें कहा है कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। सीटी स्कैन कहा जाएगा, एमआरआई स्कैन कहा जाएगा, अल्ट्रासाउंड स्कैन कहा जाएगा, पीईटी स्कैन कहा जाएगा। तो शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। हम लोग देखिए क्या कहते हैं ऐसे प्रक्रिया को, एमआरआई स्कैन कहा जाता है। देखिए होता यह है कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को एमआरआई स्कैन या एमआरआई कहा जाता है। देखिए एमआरआई स्कैन दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो यहां पे विकल्प नंबर हमारा 1789 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 1790 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट की दिशाओं को निरूपित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र या धारा को, चुंबकीय क्षेत्र या बल को, बल और चुंबकीय क्षेत्र को, धारा और चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहां पर जो हो जाएगा दिख लीजिएगा, यहां पर कहा गया है मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः, देखिए मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः धारा और चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे आगे आपके लिख देंगे चुंबकीय, आगे लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करती हैं। ये दिया गया डी ऑप्शन, तो 1790 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1791 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा, अनंत होगा, न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा, क्या होगा, अनंत, न्यूनतम, अधिकतम या फिर दोस्तों शून्य। तो 1791 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे शून्य होगा, क्या होगा भाई, शून्य। देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 1791 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1791 का विकल्प नंबर हमारा डी राइट हो गया, और आगे हम लोग देखते हैं देख लीजिएगा 1792 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होते हैं, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होते हैं, आकार में अर्धगोलाकार, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे के समानांतर या संकेंद्रित वृत्त। तो यहां पे अगर देखेंगे 1792 में कहा किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होते हैं, तो वो समकेंद्रित वृत्त डी ऑप्शन, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय या चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होते हैं, ये दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1792 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1793 नंबर, और इस पे कहा कि छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डॉट डॉट होती है, मध्य भाग से सभी ओर
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मध्य मार्ग से केवल उत्तरी ध्रुव की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर यह दिया गया है ऑप्शन सी। तो 1793 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। विकल्प नंबर 1793 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1794 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। धारा का परिमाण बदलना, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या परिवर्तन करना या परिवर्तित करना, धारा की दिशा बदलना। केवल दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है, और फर्स्ट और थर्ड दोनों, सेकंड और थर्ड दोनों, तो केवल फर्स्ट देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो 1794 का विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे 1794 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, और आगे हम लोग देखेंगे 1795 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो चुंबक की लंबाई के अभिलंबवत होगी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, या चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत होगी। तो 1795 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो बी वाला जो दिया गया है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, ये बी ऑप्शन दिया गया है। देखिए 1795 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 1796 नंबर, और इसपे कहा है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट में वृद्धि के साथ घटता है। तो किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट में वृद्धि के साथ घटता है, तो ये दोस्तों किसके वृद्धि के साथ घटता है, तो ये दूरी के वृद्धि के साथ घटता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, दूरी लगाया जाएगा, दूरी दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1796 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और आगे हम लोग देखेंगे 1797 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डॉट डॉट से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। उपस्पर्शज्या, स्पर्शज्या, ढाल या छेदक रेखा। तो 1797 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, स्पर्शज्या देख लीजिएगा, यह दिया गया है बी ऑप्शन। 1797 का विकल्प नंबर हमारा बी जो दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डॉट डॉट से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो वो हो जाएगा स्पर्शज्या। तो 1797 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 1798 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, जब एक धारावाही तार पर एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है, तो तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा डॉट डॉट है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 1798 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 1798 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ राइट बनेगा। आगे देख लीजिएगा 1799 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डॉट डॉट होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो देख लीजिएगा कितना होगा हमारा, तो उस समय पे हमारा जो इनमें डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 90 डिग्री हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1799 का विकल्प नंबर हमारा
सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा सी, 1799 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई 1800 नंबर, और 1800 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। अर्धवृत्ताकार समानांतर रेखाएं, चालक के लंबवत, संकेंद्रित वृत्त। तो 1800 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया देख लीजिएगा, अभी ये क्वेश्चन आप पढ़े हैं, संकेंद्रित वृत्त होता है। तो 1800 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जब हम किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारावाही वृत्ताकार पास या कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती हैं। ये दिया गया है विकल्प नंबर डी। तो 1800 नंबर का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, ये दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1801 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं डॉट डॉट कहलाता है। तो जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। देख लीजिएगा उत्तरी ध्रुव दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1801 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है 1802 नंबर पे कि कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डॉट डॉट होगी। क्या होगी दोस्तों, अनंत होगी, न्यूनतम होगी, अधिकतम होगी, या फिर दोस्तों शून्य होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण यानी 90 डिग्री पर होती है तब उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जब धारा का मान क्या हो जाएगा, देखिए हेतु कहा, जब समकोण बताया गया है, समकोण यानी कि 90 डिग्री बताया गया है, तो 90 डिग्री पर होने पर प्रेरित धारा अधिकतम होगा। तो अधिकतम दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, अधिकतम दिया गया है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन पे। तो 1802 का विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1802 के बाद हम लोग देखेंगे 1803 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पे बतानी है। तो ये इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। मैक्सवेल का बाएं हाथ का पेच का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का पेच का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, जब यानी कि हम जब तांबे के तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग करके उसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के क्रमशः चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित किया जा सकता है। वो किसके अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1803 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, और 1804 नंबर पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में रखने पर। फिर कहा गया कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर। फिर तीसरे में कहा गया कि कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, कुंडली के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होने पर। ग्रुप डी 2022 का ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो जो सी ऑप्शन दिया गया है, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1804 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1805 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एन फेरों वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डॉट डॉट होगा। तो देख लीजिएगा ग्रुप डी
में क्वेश्चन 2022 के बिल्कुल लेटेस्ट में दो बार पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों हमारा जो हो जाएगा, जैसे इसने कहा है कि क्वेश्चन में देख लीजिएगा 1805 नंबर में हमारा यही तो कहा गया है कि एन फेरों वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। तो देखिए, जब एन फेरों धारावाही किसी धारावाही आई एवं एन फेरों तथा आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के लिए इसके अक्ष पर केंद्र से एक्स दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो दोस्तों होगा वो हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का एन गुना ही होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है तो ये एन ही होगा, क्या होगा, एन ही आंसर आ जाएगा। तो 1805 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1805 के बाद 1806 नंबर देखेंगे और इस पे हमारा कहा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा में इंगित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। देख लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में जो तर्जनी की जो उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तर्जनी क्या करेगी, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। अंगूठा दोस्तों किसको, देखिए तर्जनी किसको इंगित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अंगूठा अगर यहां पे आप देखेंगे तो अंगूठा किसको इंगित करेगा, अंगूठा की अगर बात की जाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा, बल की आगे लिख दीजिएगा दिशा, लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है, ठीक है ना। अब मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को देख लीजिएगा, मध्यमा किसको इंगित करेगा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत आगे लिख दीजिएगा धारा, फिर लिख दीजिएगा की, आगे लिख दीजिएगा दिशा। देखिए अंगूठा हमारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1806 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा और आगे हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे 1807 नंबर पे, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। तो देखिए कुंडली के प्रतिच्छेदी रेखाओं के, समांतर रेखाओं के या वक्रित रेखाओं के, तो 1807 का देखेंगे तो ये हो जाएगा समांतर रेखाओं के, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। तो 1807 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा और 1808 नंबर पे देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया कि एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो डॉट डॉट क्या होगा, देख लीजिएगा, या चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर देगी, प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा, या चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता प्रदान करेगी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1808 का जो दिया गया है विकल्प नंबर जो सी है यही हमारा हो जाएगा सी, देख लीजिएगा सी दिया गया, प्रेरित विभवांतर घटेगा, क्या हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा। 1808 का अगर विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1808 का विकल्प नंबर हमारा प्रेरित विभवांतर क्या होगा, घटेगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 1809 नंबर पे और इस पे कहा गया है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं 1809 में वो दिया गया हमारा देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, देख लीजिएगा एक तो ये फर्स्ट वाला विकल्प हो जाएगा और एक सेकंड वाला विकल्प हो जाएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1809 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1810 नंबर और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण,
भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक पश्चिम, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पूरब, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पश्चिम। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 1810 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक सदैव भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, 1810 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1811 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित होता है, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा, ये बात हमको बताना है। 1811 का देखेंगे तो देख लीजिएगा, केवल विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित होता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन, तो 1811 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1812 नंबर, और इसपे कहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो देख लीजिएगा परिपथ के प्रतिरोध के, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के, या चुंबकीय अभिवाह में, या चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के। तो यहां पे अगर देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF जो होता है दोस्तों, वो चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है डी ऑप्शन, तो यहां पे 1812 का देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई 1813 नंबर, और इसपे कहा गया है कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डॉट डॉट होगा तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डॉट डॉट होगा तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर दोस्तों 30 डिग्री। तो 1813 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है वो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा ए, 90 डिग्री, यानी कि समकोण, यानी कि समकोण जो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री को बोलते हैं। तो 1813 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1814 नंबर, और इसपे कहा गया है कि डॉट डॉट में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है, तो किसके वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होगी, तो प्रतिरोध के, या धारा के, या प्रतिरोधकता के, या फिर दूरी के। दोस्तों देख लीजिएगा, ये ग्रुप डी के 2022 में दोस्तों दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ध्यान से समझिए, इसमें लिया क्या गया है, अगर हम धारा को क्या करते हैं, धारा में अगर हम वृद्धि कर दें, यहाँ पे क्या लिख दें, धारा, धारा में अगर हम वृद्धि कर दें तो धारावाही चालक के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि हो जाएगी, तो ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1814 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1815 नंबर, और इसपे कहा गया है, ये भी 2022 के दो बार हमारा ग्रुप डी में पेपर में पूछा गया है, और इसपे कहा गया है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डॉट डॉट पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसमें देखिए, किस कितने डिग्री के कोण पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के कोण पर, देख लीजिएगा समकोण पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1815 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1816 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, फर्स्ट। आप देख लीजिएगा यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीन में से आपको बताना है कि कौन कौन सा राइट हो जाएगा। जिसमें पूछा गया तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए,
और किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। देख लीजिएगा, इसमें हम एक विधि का प्रयोग करेंगे, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके इसका उपयोग करेंगे। दूसरा करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करके करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1816 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1817 नंबर, और इसपे कहा गया है कि इन फेरों या टर्न्स और प्रवाहित धारा आई वाली किसी प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डॉट डॉट के समानुपाती होता है। तो किनके समानुपाती होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बी बराबर एन एल। देख लीजिएगा, ये दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे, तो 1817 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहां पे दिया गया 1818 नंबर, और इसपे कहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है डॉट डॉट कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1818 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1819 नंबर, और इसपे कहा गया है यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा, प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा, या प्रेरित धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या प्रेरित धारा हमारी बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो प्रेरित विभवांतर जो होता है वो बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ेगा भाई। 1819 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा 1820 नंबर में दिया गया है। इस पे कहा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा या मृदुलोहा। तो मृदुलोहा ऐसा पदार्थ है जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा, मृदुलोहा जो दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1820 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1821 नंबर, और इसपे हमारा कहा है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है, एल्युमिनियम का एक सूचक या पॉइंटर होता है, एक कुंडली वाही चालक होता है, एक चालक कुंडली होता है, या एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। तो 1821 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक चुंबक होता है। चुंबकीय कंपास निम्नलिखित में से क्या होता है, तो एल्युमिनियम से एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। तो 1821 का विकल्प हमारा डी में मौजूद है, तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, 1821 के बाद हम लोग देखेंगे 1822 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ए दिया गया है, कहा गया कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। देख लीजिएगा, ना तो ए और ना ही बी, केवल बी, केवल ए, ए और बी दो। तो दोस्तों देख लीजिएगा, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो विद्युत जनरेटर से संबंधित जो ऑप्शन ए दिया गया और बी दिया गया दोनों हमारे राइट हो जाएंगे, दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 1822 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1823 नंबर, और इसपे कहा गया है कि किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है, सिरों पर कम और केंद्र में अधिक, सिरों पर अधिक और केंद्र से कम, एक समान और अशून्य, और फिर दोस्तों यहाँ पे शून्य। किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है, तो 1823 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, एक समान और अशून्य दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1823 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1824 नंबर, और इसपे कहा है कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि डॉट डॉट क्या होती है, समान बनी रहती है, में कमी होती है, शून्य हो जाती है, में वृद्धि होती है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधियां क्या होती हैं,
चुंबकीय रेखाओं की परिधियों में वृद्धि हो जाती है। तो रेखाओं की परिधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, डी ऑप्शन यानी कि 1824 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1825 नंबर देख लीजिएगा और इसपे कहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित इंगित होती है, केवल दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की, केवल उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो इस स्थिति में वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन, तो 1825 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1826 नंबर और इसपे कहा गया है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमको गलत कथन बताना है, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो गलत कथन की कह रहा ना, गलत कथन का चयन कीजिए, तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये दिया गया है 1826 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1827 नंबर और इसपे कहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डॉट डॉट में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो दोस्तों क्या बताएगा, अब देख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, वैद्युत क्षेत्र बताएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो 1827 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प यहां पर देखेंगे तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डॉट डॉट में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो 1827 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि 1828 नंबर पे कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल एफ कितना होगा। तो देख लीजिएगा चालक पर लगने वाला जो बल हमारा है वो शून्य हो जाएगा, क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो 1828 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे शून्य कैसे होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है एफ बराबर आई बी और आगे देख लीजिएगा हो जाएगा एल, देख लीजिएगा ये होता है और फिर हमारा हो जाएगा साइन और यहाँ पे जीरो। देखिए आई बी एल, तो आप आई बी एल वैसे लिख दीजिएगा और साइन जीरो का मान दोस्तों जीरो होता है और यहाँ पे अब जब इसका वैल्यू रखेंगे तो हमारा सब क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू शून्य ही आ जाएगा, इसलिए शून्य हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1828 के बाद हम लोग देखेंगे 1829 नंबर और इसपे कहा गया है कि अंगूठा यानी कि तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थित किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करती है, अंगूठा चालक की दिशा की ओर इंगित करती है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी, तो यह कहलाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाएगा, कार्क स्क्रू नियम कहलाएगा या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाएगा। तो यहां पे अगर 1829 का देखेंगे तो ये जो हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा को इंगित करता है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को, तो ये होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी कि 1829 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1829 के बाद हम लोग देखेंगे 1830 नंबर और इसपे कहा है कि एक लंबी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होगा, प्रणालिका के अंदर शून्य, प्रणालिका के अंदर एक समान, प्रणालिका के अंदर असमान, प्रणालिका के सिरों पर अधिकतम। तो 1830 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है परिनालिका के अंदर एक समान, ये दिया गया है 1830 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1831 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है,
एक यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत के रूप में, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में, प्रकाश का स्रोत के रूप में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में। तो 1831 का अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन यहां पे देख लीजिएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में दिया गया है बी ऑप्शन। तो 1831 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लेते हैं 1832 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थित में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए केवल धारा की दिशा में, फिर कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा में, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ना तो धारा की दिशा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा में दोस्तों दोनों में होता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1832 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और आगे देख लीजिएगा, और आगे हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई, यहाँ पे कहा गया है 1833 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। फिर आगे कहा गया है, अब देख लीजिए मैं से कह रहा कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो यहां से देखेंगे तो देख लीजिएगा, जो दिया गया है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, तो बात सही कह रहा है, ये संभव स्थिति है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, ये भी सही कह रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, तो ये गलत कह रहा है। विकल्प नंबर हमारा जो सी दिया गया है, ए और बी दोनों देख लीजिएगा, 1833 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1834 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो 1834 में अगर जानेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के लिए प्रेरित धारा की दिशा में निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, तो ये दिया गया है देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पे। तो 1834 का हमारा विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1835 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया क्या गया है भाई, इस पे कहा गया है कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्य बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डॉट डॉट होती है, चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र के 60 डिग्री कोण पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1835 में कहा गया है कि किसी आर्मेचर के भुजाओं पर कार्य बल का परिणाम अधिकतम होता है। तो अधिकतम दोस्तों क्या होगा देख लीजिएगा, अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है। तो भुजाओं की लंबाई दोस्तों हमारी जब क्या होगी, तो ऐसा होगा तब जब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। देख लीजिएगा ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारा 1835 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा भाई। 1835 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है भाई, और आगे अगर देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया है 1835 बाद हम लोग देखेंगे 1836 नंबर, और इसपे कहा है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो 1836 का देखेंगे तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, नहीं दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बिल्कुल दोस्तों सही है, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये हो जाएगा 1836 का विकल्प नंबर हमारा बी, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देख लीजिएगा 1837 नंबर पे दिया गया है, इस पे कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाएगा, विद्युत चुंबकत्व कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा, विद्युत चालन कहलाएगा। तो 1837 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। 1837 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, अगला हमारा दिया गया है 1838 नंबर, और इसमें कहा किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है, सभी जगह में समान होगा। क्या होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, हम आगे लिख देंगे सभी जगह में समान। तो देख लीजिएगा सभी जगह में समान जब हम भरेंगे, देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे,
तो 1838 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई 1839 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित करता है। केवल बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, केवल एक क्षण को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। क्षण चुंबक और बंद कुंडली दोनों को ही समान दिशा से समान दिशा में ले जाने पर। तो देखेंगे 1839 का विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, देख लीजिएगा, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर होगा, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर, विकल्प नंबर सी 1839 का सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया भाई 1840 नंबर, और इस पे कहा गया है, इस पे कहा गया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में, देख लीजिएगा इस पे क्या लिखा, किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के डॉट डॉट होगी, लंबवत होगी, फिर दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगी, समान दिशा में होगी, समानांतर होगी, या विपरीत होगी। तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, विपरीत, देख लीजिएगा डी ऑप्शन 1840 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1840 के बाद हम लोग देखेंगे 1841 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। तो फ्लेमिंग के दोस्तों दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग। तो 1841 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और आगे देख लीजिएगा 1842 नंबर, और यहाँ पे कहा है किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कौन से कथन सही है कहा गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। 1842 का अगर देखेंगे आप तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। देख लीजिएगा, करा किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्न से कथनों पर विचार करें, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, सही कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होते हैं, ये भी सही कह रहा है, तो सी ए और बी दोनों हो जाएगा। 1842 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1843 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं, तो बंद वक्र होती हैं, बिंदु हो जाएंगे, सीधी रेखाएं हो जाएंगे, खुले पास हो जाएंगे। तो 1843 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है बंद वक्र, देख लीजिएगा ए ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, इस जगह पे आप भर देंगे बंद वक्र भर देंगे, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर 1843 का ए ऑप्शन, तो ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1844 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं है आपको, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहा गया कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1844 का विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए वाला ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती हैं, डी वाला हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, फिर डी वाला ऑप्शन, ये सी वाला नहीं हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हैं कह रहा है, तो गलत है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1844 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1845 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव डॉट डॉट होंगी,
धारा की दिशा के समानांतर होंगी, परस्पर प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, धारा की दिशा के लंबवत होंगी, चालक की लंबाई के समानांतर होंगी। तो 1845 का अगर आप देखेंगे तो 1845 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा सी, धारा की दिशा के लंबवत होंगी। देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1845 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1846 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल डॉट डॉट होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल डॉट डॉट होता है। तो 1846 का देख लीजिएगा विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1846 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1847 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं डॉट डॉट होंगी, समान दिशा में होंगी, यादृच्छिक दिशाओं में होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 1847 का अगर आप विकल्प देखेंगे तो डी जो देख लीजिएगा दिया गया है डी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। 1847 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1848 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, टर्बाइन का नियम, कूलर का, मोटर का या जनरेटर का। तो 1848 का देखेंगे यहाँ पे जो होता है ये मोटर का नियम होता है, क्या होता है, मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मोटर देख लीजिएगा, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, तो मोटर। 1848 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1849 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डॉट डॉट के समान होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, छड़ चुंबक के समान होगा, धारावाही वृत्ताकार पास के समान होगा, अश्वनाल चुंबक के समान होगा, धारावाही सीधा तार के समान होगा। तो 1849 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए, तो यहां पे देख लीजिएगा ए के साथ यानी कि छड़ चुंबक के समान हो जाएगा, किसके समान हो जाएगा, छड़ चुंबक। देख लीजिएगा ए ऑप्शन दिया गया है, तो 1849 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट मानेंगे। आगे देख लीजिएगा 1850 नंबर, और इस पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। फिर करा, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है, गलत कह रहा है, ये हमेशा दक्षिण, उत्तर दक्षिण में होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर पूर्व कह दिया, गलत हो जाएगा। फिर करा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, देखिए प्रतिच्छेद तो कभी भी नहीं करेंगे, ये गलत कह रहा है। तो देखिए 1850 का हमारा क्या हो गया, ए और सी, देख लीजिएगा ए और सी दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1850 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1851 देख लीजिएगा, 1851 में कहा है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, लोहा को, गिलट को, स्टील को, या फिर दोस्तों कांसा को। तो 1851 में देखेंगे तो जो एक साधारण चुंबक होता है वो हमारा कांसा को नहीं आकर्षित करेगा, कांसा हमारा दिया गया राइट ऑप्शन, तो 1851 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1852 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था, विलियम स्टर्जन पर, विलियम स्टर्जन या हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के, थॉमस एल्वा एडिसन, सीवी रमन। तो 1852 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा बी, देख लीजिएगा हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, ओस्टेड ये दिया गया बी ऑप्शन, तो इन्हीं का सबसे पहले ध्यान गया था।
तो ये विकल्प नंबर हमारा 1852 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कह रहा जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण को सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टरड का गया था। विकल्प बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कहा गया कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो अभी हमने बताया है उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर होता है, क्या होता है उत्तर दक्षिण। तो 1853 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा भाई, और आगे हमारा अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा क्या दिया गया है, तो भाई आगे अगर देखेंगे तो 1853 का विकल्प नंबर बी के साथ राइट हो गया है। और आगे देख लीजिएगा 1854 नंबर, और इस पे कहा है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में क्या करेगा, किस दिशा में संरेखित होता है, पूर्व पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर या उत्तर दक्षिण की ओर। तो 1854 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है उत्तर दक्षिण की ओर। देख लीजिए अभी मैंने यही बताया कि मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर दिशा को संरेखित करेगा या उस दिशा की ओर इंडिकेट करेगा। तो 1854 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1855 नंबर, कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का विमा है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का विमा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका जो विमा हो जाएगा यानी कि H बराबर हमारा फार्मूला होता है, देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H बराबर होता है एन आई अपान का L, क्या होता है एन आई अपान का L। तो देख लीजिएगा एन आई अपान का L, तो I की विमा हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा I अपान का L, एन आई अपान का L, ठीक है। तो I की विमा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, I ही रहेगा और ये L का L ही रहेगा, तो ऊपर इसको लिख सकते हैं I L की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो देख लीजिएगा इतना हो जाएगा, ये कहां दिया गया है आई एल की पावर माइनस वन दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1855 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है निर्वात की निर्वात को माना जाता है, निर्वात को माना जाता है, अचुंबकीय सामग्री माना जाता है, प्रतिचुंबकीय सामग्री माना जाता है, अनुचुंबकीय सामग्री माना जाता है, प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री माना जाता है। तो 1856 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है देख लीजिएगा ए ऑप्शन, क्या दिया गया है ए ऑप्शन, अचुंबकीय सामग्री माना जाता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1856 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1857 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, करा निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह, स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो 1857 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है चुंबक पत्थर, 1857 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1857 के बाद देखेंगे 1858 नंबर, इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कह रहा कौन सा सत्य नहीं है, यह अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा देख लीजिएगा 1858 नंबर में वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यानी कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यही हमारा असत्य हो जाएगा। 1858 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1859 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि वे मेटल डिटेक्टर, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं, सिविल लॉ के द्वारा, न्यूटन का नियम द्वारा, फैराडे का नियम या कूलाम का नियम। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे फैराडे के नियम द्वारा मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वो होता है फैराडे का नियम द्वारा। देख लीजिएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो विकल्प सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट बन गया। और आगे देख लीजिएगा 1860 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आइजैक न्यूटन,
कार्लो रूबिया, जेम्स मैक्सवेल, सेल्डन ग्लासो। तो यहां पे 1860 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है जेम्स मैक्सवेल, क्या हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1860 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1861 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में। तो दोस्तों देख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर डॉट डॉट दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो ये अक्सर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1861 का जो दक्षिण दिशा की ओर झुका होगा, क्या होगा ये दक्षिण दिशा की ओर हमारा झुका रहेगा, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1861 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1862 देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, स्थिर क्षेत्र, गुरुत्वीय खिंचाव, चुंबकीय क्षेत्र। तो 1862 का देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके आसपास के क्षेत्र को बोला जाएगा, या आसपास की जगह के शब्द से हम इंडिकेट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के नाम से, यानी कि 1862 का विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भाई 1862 के बाद हम लोग देखेंगे 1863 नंबर, और इसपे कहा है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, पिंड का भार, रस्सी में तनाव, घर्षण बल, स्प्रिंग में विद्युत बल। तो दोस्तों देखेंगे 1863 जो हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो जो पिंड का भार होता है ये विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, ये 1863 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1864 नंबर, और इसमें कहा है कि पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, धारा प्रवाह के समानांतर होगी, वामावर्त होगी, धारा के प्रवाह के लंबवत होगी। तो 1864 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है वामावर्त होगी, क्या हो जाएगा 1864 का वामावर्त विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1865 नंबर, और इसपे कहा गया है कि फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस ओर को दर्शाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार अंगूठा जो होता है वो अंगूठे वाली उंगली जो होती है क्या करती है दोस्तों, वो हमारा दर्शाएगा दोस्तों चालक की गति की दिशा एवं तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ की दिशा को दर्शाती है, यानी कि चालक के गति की दिशा को दर्शाएगा। तो चालक के गति की दिशा दोस्तों देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1865 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो दोस्तों होती है वो क्या होती है टेस्ला होती है, 1866 का टेस्ला देख लीजिएगा टेस्ला दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 1866 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लेते हैं भाई 1866 के बाद हम लोग 1867 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि वैद्युत चुंबक में है, वैद्युत चुंबक में है मृदु लौह कोर है, स्टील कोर है, निकिल कोर है, ताम्र कोर है, वैद्युत चुंबक में है मृदु लौह कोर है, क्या है भाई मृदु लौह कोर है, 1867 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1868 नंबर, और इसपे कहा गया है कि चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा, चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा, चालकत्व होगा, संवेदन होगा, प्रतिष्ठंभ होगा, विद्युतशीलता होगा। 1868 नंबर का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है प्रतिष्ठंभ होगा, ये हमारा 1868 का विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है ये सी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डॉट डॉट होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है, तो वो क्या होगा दोस्तों प्रेरित धारा जो सबसे अधिक होगा दोस्तों, आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डॉट डॉट होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है,
तो 90 डिग्री आप कह देंगे, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे समकोण कह देंगे। समकोण 90 डिग्री को ही कहा जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1869 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप्स दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउटेड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और भी दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।